Button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is @theratetocrispies123. There I share the live updates of what to do and what I eat. Hi guys, welcome back to my channel. I am spending my weekend at the Mahagun Sarovar Portico और मैं आई हुई हूँ डिनर के लिए टैंजरीन रेस्टो इनका मल्टी कुजीन रेस्टो वहाँ पर मैं यूजली डाइन इन करती हूँ मगर उसकी ठीक एडजेसेंट बार की सिटिंग भी बनी है तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ बैठ के डिनर किया जाए तो मैंने अपने लिए एक स्टार्टर ऑर्डर किया है दैट इज़ भरवा तंदूरी आलू मेरे को बहुत ही अम्मी लगती है वो डिश तो जैसे ही आते आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ मैंने ना अभी एक ही डिश मंगवाई है बिकॉज आई एम काइंड ऑफ फुल राइट नाउ मैंने लंच देर से किया था एंड मेरे को कुछ और भी मंगवाना हो तो मैं मंगवा लूँगी सो हियर्स माय ऑर्डर और मैंने ऑर्डर किए हैं भरवा तंदूरी आलू इट लुक्स रियली यम्मी बेसिकली ये बेक पोटैटो है बट इंडियन स्टाइल और इसके अंदर इन्होंने पनीर की स्टफिंग करी है ड्राई फ्रूट्स डाले हैं इट लुक्स बट स्पाइसी चटनी अभी लाई नहीं है मैं भी लाने वाले हूँ मैं थोड़ा वेट करूँगी पर सोच रही ना तब तक ये अपने लिए सर्व कर लेती हूँ प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है तंदूरी आलू के अलावा यहाँ पे पनीर टिक्का था मलाई ब्रोकली था सीख कबाब थे बट क्योंकि आलू मेरे फेवरेट हैं तो मैंने सोचा कि फेवरेट चीज़ तो ऑर्डर करना बनता है ऊप सी मैंने अपने पोटैटो को फ्लिप कर दिया प्लेट में बट हाँ आपने ऊपर से देख ही लिया था कैसे दिखता है ये अच्छा दिखता है तो आधे मैंने सर्व कर लिए बाकी की मैं अपनी सस्ते के साथ शेयर करूँगी आई मीन मैंने पहले ही आधा कर लिया है अनियन भी आया इसके साथ वैसे तो अनियन मेरा फेवरेट नहीं है पर चलो आया है तो थोड़ा सा ले लेती हूँ बहुत प्यारा सा इन्होंने फ्लावर भी लगाया इस पर कैरेट का चटनी किसी मैं खाने तो नहीं वाली हूँ तो इसलिए नहीं ले रही हाँ मैं चटनी का वेट कर रही हूँ आती है तो उसे ट्राई करूँगी तो हरी चटनी आ गई है फाइनली तो अपने लिए थोड़ी सी सर्व कर रही हूँ लग रहा था कि ये स्टार्टर तो यमी लग रहा है देखने में मगर और भी कुछ हम खा सकते हैं इसलिए ना मैंने वेज ड्रैगन रोल दोबारा ऑर्डर कर लिए हैं जो कि मैंने लंच में भी ट्राई किए थे उसका रिव्यू तो मैं दे चुकी हूँ इसलिए दोबारा रिव्यू शूट नहीं करूँगी उसका और उन्हें आने में अभी टाइम भी है तो तब तक मैं उसे खाने वाली हूँ लुक्स रियली टेम्पटिंग हरी चटनी भी आ गई है तो मैं इस पोटैटो को ट्राई कर रही हूँ हरी चटनी से इसकी फिलिंग ना बाहर ही निकल आई जैसे ही मैंने इसे कट किया फर्स्ट बाइट अच्छा है काफ़ी स्पाइसी है मगर ना लग रहा है थोड़ा ठंडा हो गया पता नहीं क्यों बड़ी जल्दी ठंडा हो गया इससे तो नहीं क्या फैन अरे दोबारा ट्राई करके देखूंगी फिलिंग के साथ विदाउट फिलिंग तो मेरे को इतना मज़ा नहीं आया आई मस्ट से चटपटा तो बहुत है ये और बेसन डाला हुआ इन्होंने रोस्टेड वाला इसकी फिलिंग में भी पनीर है नहीं या शायद बहुत थोड़ा पनीर है मेनली इसके अंदर ना रोस्टेड बेसन की फिलिंग है मगर अच्छा लग रहा है बुरा नहीं लग रहा आलू के बाहर भी इन्होंने स्पाइसी बेसन और कर्ड का मैरिनेट लगाया है जो कि पनीर टिक्का पे होता है इनके पोटैटो का टेक्सचर थोड़ा ड्राई लगा मुझे मॉइस्ट वाले पोटैटो ज़्यादा अच्छे लगते हैं पर चलो ठीक है ये डिश तो मेरी फेवरेट है थोड़ी कम अच्छी भी बनी तो मेरे को सही लगती है इसमें इन्होंने फाइनली चॉप कैश्यू नट्स भी डाले हैं उससे काफ़ी अच्छा क्रंच आ रहा है
So yeah, this is quite spicy. A lot of you guys watch my videos but do not subscribe. Please guys, subscribe to my YouTube channel. That will not only support me but also motivate me in getting more such videos.